जय माई की। नवरात्रि पर्व हमारे सामने है और यह जो नवरात्रि पर्व है यह शक्ति अर्जन का पर्व है। हम भगवती शक्ति की, भगवती जगदम्बा की, दुर्गा की उपासना करते हैं और जो त्रिगुणात्मिका शक्ति है, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, ये जो तीन तत्व हैं, यही तीन तत्व पूरी सृष्टि के संचालक हैं। अर्थात महाकाली अर्थात शक्ति, महालक्ष्मी अर्थात द्रव्य शक्ति और महासरस्वती अर्थात विद्या शक्ति। तो हमें तीनों की आवश्यकता है जीवन में। हमें शक्ति भी चाहिए, सामर्थ्य चाहिए, सामर्थ्य के साथ में हमें ज्ञान भी चाहिए और ज्ञान के साथ ही हमें संसार के भौतिक पदार्थों की प्राप्ति के लिए पर्याप्त धन भी चाहिए। तो नवरात्रि में इन तीनों देवियों की समन्वित रूप से एक साथ उपासना की जाती है। तत्व तो एक है, माँ का स्वरूप एक है, लेकिन विभिन्न भावनाओं के अनुरूप वह अलग अलग रूप में हमारे सामने प्रकट होती हैं। तो अब प्रथम दिवस ये स्थापना करके हमारा ध्यान होना चाहिए अधिकतम हम अपनी उपासना नवरात्रि में कैसे करें। तो देखिए, सबसे अच्छा तो ये होता है कि 9 दिन तक श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ हम करें अथवा किसी विद्वान के माध्यम से कराएं। अब कई लोग बोलते हैं कि मैं दुर्गा सप्तशती के पाठ करता हूं 9 दिन तक। हमने जिज्ञासावश पूछ लिया कि क्या करते हैं, तो पता चला कि वो हिंदी में कथा पढ़ रहे हैं और बोले मैं अनुष्ठान कर रहा हूं। देखिए, दुर्गा सप्तशती का जो अनुष्ठान है उसका एक निर्धारित क्रम है, उसकी विधि है, उसके पाठ की व्यवस्था है और उसी ढंग से उसका अनुष्ठान करना है। एक बात ध्यान रखें, दुर्गा सप्तशती संसार का श्रेष्ठतम आर्ष ग्रंथ तो है ही, श्रेष्ठतम आगम ग्रंथ भी है और भगवती दुर्गा के लिए श्रेष्ठतम स्तुति परक ग्रंथ भी है, वह प्रासादिक ग्रंथ है, वह आशीर्वादात्मक ग्रंथ है और जो महर्षि मार्कंडेय ने हम सभी लोगों को पूरी सृष्टि के कल्याण के लिए जो वरदान स्वरूप हमें प्रदान किया है वह एक अमृत तुल्य ग्रंथ है। उससे बढ़कर कोई आगम शास्त्र में, तंत्र शास्त्र में कोई ग्रंथ दूसरा नहीं है। परंतु उतनी ही सावधानियां भी श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ में हमको रखनी है। तो सामान्य व्यक्ति के लिए जो बहुत भोला है, भगवती पर श्रद्धा है, उपासना करना चाहता है, लेकिन समस्या उसकी यह है कि वो अनुष्ठान करा नहीं सकता और स्वयं भी करने की उसकी सामर्थ्य नहीं है, तो फिर क्या करें। तो इसमें सबसे अच्छा कार्य होता है अपने इष्ट मंत्र का जप करना अथवा देवी के किसी भी एक मंत्र को जिसमें आपका भाव बहुत अच्छा बैठता हो, जैसे शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। पर जो भी मंत्र हो वह मंत्र शुद्ध हो, उसे किसी विद्वान से पढ़ लें, उसके विषय में समझ लें और जप कैसे करना है। जैसे यह माला है, इस माला में आप कोई भी मंत्र बोलते हैं, मंत्र बोल करके हम इस माला को, अब कई लोग इस माला को इतने गलत ढंग से जपते हैं, कोई ऐसे कर रहा है, कोई यूं 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 इस प्रकार से तर्जनी उंगली का प्रयोग करते हुए कर रहा है। हमेशा ध्यान रखें माला को, यह जो छोटी उंगली है उसके पास वाली जो अनामिका उंगली है उस अनामिका उंगली के ऊपर रखना है, नंबर एक। नंबर दो, यह जो तर्जनी उंगली है इसका स्पर्श माला पर नहीं होगा, तर्जनी उंगली से माला नहीं जपी जाती कभी भी, इसलिए ये उंगली जप में वर्जित की गई है। नंबर तीन, इस माला को, इसके मनकों को अपनी तरफ एक 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 मंत्र बोलेंगे और उसे अपनी तरफ ऐसे इन दोनों अंगूठे और मध्यमा उंगली की सहायता से हम अपनी तरफ इसको ऐसे अपनी तरफ जपेंगे, ऐसे बाहर नहीं जपना है, इसको स्वयं की तरफ, भगवती की शक्तियां हम में प्रविष्ट हो रही हैं ऐसा भाव करते हुए कि यह माता जी का जो मैं मंत्र जप रहा हूं इस मंत्र की समस्त शक्तियां मुझ में प्रवेश करें, ऐसा भाव रखते हुए हम इसको इस तरह से जपें।
चौथी बात, माला में यह ध्यान रखना है कि वह किसी अन्य को दिखाई न दे। इसलिए माला के ऊपर या तो हम कोई वस्त्र ढांक लें, अथवा इसे गोमुखी में डाल लें, अथवा एक झोली बना करके भी माला को हम अपने हृदय के पास रखते हुए जप कर सकते हैं। माला का जाप करते समय एक सावधानी यह भी रखना है कि यह माला हमारे नाभि प्रदेश से नीचे की तरफ न आए। ऐसा नहीं कि नीचे माला रखी हुई है, हम जप करे जा रहे हैं, पांव का भी स्पर्श हो रहा है, अन्य जो अस्पृश्य वस्तुएं आसपास हैं उन पर भी माला, कहीं जूठन पड़ी है तो भी माला का स्पर्श हो गया, ये नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। माला की पवित्रता बनी रहना चाहिए। तो माला को ढांक करके माला की शक्तियां बाहर न जाएं। माला के ऊपर वस्त्र को आच्छादित कर दीजिए, वस्त्र ढांक दीजिए, या माला के गोमुखी में रख करके जप करें। और माला के साथ एक बात और ध्यान रखना है, ये संभवतः आपको नहीं मालूम होगा, शक्ति मंत्र कभी भी, देवी के मंत्र कभी भी रुद्राक्ष की माला पर दिन में नहीं जपे जाते। फिर से ध्यान दें, शक्ति मंत्र भगवती दुर्गा के या किसी भी देवी के स्वरूप का हम ध्यान करते हुए जो माला पर जप करते हैं, वह दिन में रुद्राक्ष की माला पर शक्ति मंत्रों का जप नहीं किया जाता। तो फिर क्या करें, श्रेष्ठतम है स्फटिक की माला, कमलगट्टे की माला, लाल चंदन की माला, इन पर आप देवी मंत्र का जप कर सकते हैं। ये मालाएं भी आसानी से उपलब्ध हैं। कुछ विशिष्ट प्रयोगों में और भी उत्तरजीवा, हरिद्रा इत्यादि की मालाओं का प्रयोग किया जाता है, पर वो सामान्य किसी भी साधक के लिए नहीं है। जो विशिष्ट अनुष्ठान करते हैं, जो विशेष ढंग से अपनी उपासना पद्धति को नवरात्रि के विशेष पर्व पर करते हैं, उनके लिए है वो विधि। हम सामान्य रूप से स्फटिक की माला पर, लाल चंदन की माला पर, अथवा कमलगट्टे की माला पर मंत्र जप कर सकते हैं। तो विशेष ध्यान रखें, रुद्राक्ष की माला पर जप करना है तो रात्रिकालीन समय में, और देवताओं के मंत्रों का जप रुद्राक्ष की माला पर किया जा सकता है। ये थोड़ी सी कुछ बारीकियां हैं, इनका ध्यान रखें। और दूसरा एक बात और भी ध्यान रखना है कि इस प्रकार से हमारा जप चल रहा है, मंत्र जप चला, और ऐसा करते करते हमारी जब माला पूर्ण हो जाती है, यहाँ पर जब करते करते अपने मंत्र 108 बार जब किया, अब यहाँ पर पहुँचा, यह जो भाग है ये सुमेरु कहलाता है। तो सुमेरु को कभी भी लांघा नहीं जाता, ध्यान रखिएगा, सुमेरु को नहीं लांघना है। यहीं से हम अपने यह जो मध्यमा उंगली है इसका प्रयोग करते हुए माला को वापस घुमा लेंगे, और घुमा करके फिर वापस ये माला वैसे ही चलने लगेगी। जब यहाँ पर आएगी वापस वैसे ही घुमा लेंगे, जैसे यहाँ पर आएगी ऐसे ही माला को इसी हाथ से, ऐसा नहीं दूसरे हाथ का सहारा लेकर के हम माला को बाएं हाथ का स्पर्श कराते हुए घुमाएं, यहीं पर जैसे ही माला आई वैसे ही हम घुमा लेंगे। तो ये सुमेरु का लंघन नहीं करना। और मंत्र को एक एक बार बोलते हुए, और एक एक मन का आप अंदर की तरफ अपने खसकाते रहें, तो इष्ट मंत्र का, देवी मंत्र का, श्री दुर्गा सप्तशती में प्रारंभ में और अंत में बहुत से मंत्र दिए हुए हैं, उन मंत्रों को आप देखें, और आपकी कामना विशेष जो मंत्र हैं उनमें से किसी भी एक मंत्र को किसी विद्वान से समझ लें, उसकी विधि समझ लें, और विधि में जो हमने बताया आपको इस तरह से मंत्र जप करना है, और फिर मंत्र जप करके देवी जी को समर्पित कर देना है। और जब आप मंत्र जप करके आसन से उठेंगे, तब थोड़ा सा जल लेकर आसन के नीचे आगे की तरफ जल डालें जमीन पर, और उस जल से अपने मस्तिष्क पर जल का तिलक लगा लें। ये इसलिए करना है कि शास्त्र कहता है कि तपः चौरहा, इंद्र भगवान, मनुष्य यदि असावधान रहते हैं
तपस्वी यदि असावधानी से जप अथवा कोई कर्मानुष्ठान करते हैं तो असावधानी के कारण क्या होता है कि उनका जो तप है वो भगवान इंद्र ग्रहण कर लेते हैं, इंद्र चुरा लेते हैं। इसलिए हमारा तप भगवती की कृपा से हमारे पास है तो उठने के पहले आसन से जब हम उठें, जब करने के बाद में, तो आसन के नीचे थोड़ा सा एक चम्मच जल डालें और उस जल का तिलक लगा लें देवी जी को जब समर्पित करने के पश्चात। ये सामान्य जप की विधि हुई। इसके संबंध में विस्तृत विधि पूर्व के हमारे वीडियो में दी हुई है, वहाँ देख लीजिए। और भी फिर आपको ऐसा लगेगा कि फिर आवश्यकता है तो उपासना के क्रम में फिर से आपको बता दिया जाएगा। जय माई की।